पोहरी नगर परिषद में शासन की जनहितैषी योजना और महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर 13 दिसंबर को उपाध्यक्ष सहित पार्षद गढ़ों द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव को PIC बैठक कराने हेतु आवेदन किया, लेकिन 20 दिन बाद भी बैठक का आयोजन नहीं कराया गया, जिसके चलते पार्षदों ने पोहरी SDM को एक आवेदन सौंपा जिसमें पार्षदों ने पोहरी SDM को एक आवेदन सौंपा जिसमें PIC की बैठक कराने का उल्लेख किया है। पार्षदों ने आवेदन में उल्लेख किया है कि बैठक बेहद अहम है जिसमें नगर परिषद में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सहित जनहितैषी कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा सके, जिसके जल्द से जल्द बैठक कराई जाए। आज आपने SDM साहब को आवेदन दिया है, एक बताएंगे क्या मामला पूरा? SDM साहब को आवेदन दिया है हमने सामान्य सभा के लिए और PIC की बैठक के संबंध में। पिछले 13-12 को हमने नगर परिषद CEO को आवेदन जो दिया था, आज दिनांक तक हमारी बैठक आई हुई तो नहीं की गई है, उस संबंध में हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया।